Name is Anushri. Akhil. Akhil. Nidhi. You are from? Faridabad. Mandi. You are from Patiala. Your name is? Yaar, हम ट्रैकर हैं, अगर हम इतना चल सकते हैं तो एक बैग लेके जिसमें हम सारा प्लास्टिक वेस्ट डाल सके, इतना भी हम कर ही सकते हैं। So we have to do it now, otherwise we have no option. We lose the nature. Yeah. Otherwise we'll leave this place and go somewhere else. Yeah. And spoil that place. हम ही गंदा कर रहे हैं और हम ही ब्रेक लेने के लिए आते हैं ऑफिस से, तो फिर लास्ट में एंड टाइम जगह ही नहीं बचेगी ना ब्रेक लेने के लिए। So what makes you do all this? Like, you're cleaning this all the way from Patiala. Yes. So what makes you do this? Seeing this this great environment getting damaged by we people, especially we from the NCR, IT guys and other people. So it's a responsibility we have to take a step now. Otherwise, in 1 or 2 years, this place will be as dirty as it is NCR. So we have to do it now, otherwise we have no option. We lose the nature. Yeah. ओके, तो जो ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, वो बस लिटर कर देते हैं और बोलते हैं कि ओके ये बाद में हो जाएगा, बट नहीं हो सकता है क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। माउंटेन्स पे हम ट्रैकिंग करने आते हैं, हम ट्रैकर्स हैं, हम ही कर सकते हैं, कोई अलग से क्लीन करने के लिए नहीं आता है माउंटेन्स में। तो अगर कोई ऐसा मिलता है, हम उनको समझा रहे हैं और वो हमको यही बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है, तो प्लीज़ उनको यही बोलें कि यार हम ट्रैकर हैं, अगर हम इतना चल सकते हैं तो एक बैग लेके जिसमें हम सारा प्लास्टिक वेस्ट डाल सके, इतना भी हम कर ही सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। What makes you do all this? Yeah, so the love for nature and just जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, तब फिर भी अच्छा था, माउंटेन्स की हालत भी फिर भी सही थी, बट अभी तो ऐसा हो गया। जैसे पार्वती वैली में तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक मैं आना पसंद करूँगी। तो क्या मतलब फिर ऐसा, हम अपने जो अच्छी अच्छी जगह है, अभी कुछ टाइम में तीर्थन वैली भी ऐसी हो जाएगा, उत्तराखंड के भी ट्रैक्स ऐसे हो जाएंगे, तो हम ही गंदा कर रहे हैं और हम ही ब्रेक लेने के लिए आते हैं ऑफिस से, तो फिर लास्ट में एंड टाइम जगह ही नहीं बचेगी ना ब्रेक लेने के लिए। सो हमें ही ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रैकिंग विद अ पर्पस ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आई कैप्चर की आई बीन देयर डन दैट, वो सब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बट एक पर्पसफुल तरीका भी होना है, जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या है, छोटे छोटे बेसिक जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस है वो सब कर लेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप। ट्रैक करते टाइम, ट्रैवल करते टाइम हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पर जा रहे हैं उसके बारे में सोचना है, उसको प्रायोरिटी पर रखना है, तो वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट ना प्रोड्यूस करें। वहाँ छोटे छोटे अपनी प्लास्टिक की बॉटल मत खरीदो, एक स्टील की बॉटल कैरी करो, रिफिल करो, पानी अच्छा है यार, बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इसी को कर लेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा ना, तो फिर हीलिंग हिमालय की जरूरत पड़ेगी किसी को। तो प्लीज़ आओ, करो, घूमो, फिरो, एंजॉय करो, पर कूड़ा मत करो, ठीक है।